हम बात कर रहे हैं क्लास के टॉपर्स की। हाँ, वही टॉपर्स जो हर क्लास में 3 से 4 मौजूद होते थे, ऐसे ही हमारी क्लास में भी तकरीबन 3 से 4 टॉपर्स हुआ करते थे, जिनसे स्कूल के टीचर्स भी सब खुश रहते कि ठीक है, बस यही है बंदा या बंदी जो स्कूल का नाम रोशन करेगा, बस यही हमारा और कोई नहीं। और हमारे सामने तारीफ़ कर रहे होते थे जलाने के लिए कि ये वो बच्चा है जो हमारे स्कूल को कॉलेज तक और ज़मीन से आसमान तक लेकर जाएगा, जिनसे स्कूल के टीचर्स सब खुश रहते थे, स्कूल कॉलेज के टीचर्स के, ये है वो बंदा जो स्कूल का नाम रोशन करेगा, बस यही है हमारा और कोई नहीं। भाई अब बता दो, ढूंढ के ही बता दो कि कहाँ है वो सारे टॉपर्स जो कभी अलादीन का चिराग हुआ करते थे। तो खुदा का वास्ता सारी जान छाड़ दो, कुछ जी चार दिन जिंदगी बची है ना, बेड़ा बदवामा दे के जान काट छड़ी। सेकंड रैंक हमेशा उनके नसीब में होता था, फिक्स होता था कि फर्स्ट और सेकंड इन्हीं को मिलनी है पोजीशंस। हमारे सामने उनको ट्रॉफीज मिली होती थी और हमारी ऐसे रालें टपक रही होती थी उनको देखकर। अब हम में ही है वो चिराग, बल्कि हमसे भी नीचे चले गए। बाकी सब उन टॉपर्स को देखकर डिप्रेशन में चले जाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे बदले कि हालात के साथ साथ जज्बात भी बदले। खैर कोई बात नहीं, बचपन था, आज तो वो भी अगर सदमे में है तो हम भी डिप्रेशन में चले गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगर हमारी GPA यूनिवर्सिटी में 3.4 आ जाती है तो उनकी भी 3.3 समथिंग आती है, लेकिन हैं वो हमारे साथ ही। और खुशकिस्मती से अगर कभी हमारे 100 में से 60 नंबर आ जाते थे तो हम इतना खुश होते थे जैसे पता नहीं क्या होगा। और टॉपर्स के अगर 90 नंबर्स भी आ जाए 100 में से तो वो उस वक्त भी रो रहे होते थे, ये बहुत नाशुक्री मखलूक है। और हम पास होकर सिर्फ 60 नंबर लेकर इतने दान निकाल रहे होते थे, हर किसी को जाकर बता रहे होते थे, और वो 90 नंबर वाले 90 नंबर वाले बीमार पड़े हुए होते थे। लेकिन बात यह है कि आज वो कहाँ हैं, हमारे साथ ही हैं, वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे बीच ही हैं। अच्छा, हम में और टॉपर्स में बहुत फ़र्क पाया जाता था पहले। जैसे ही एग्ज़ाम्स होते थे, एग्ज़ाम्स के दौरान क्वेश्चन पेपर को देखकर वो टॉपर्स मुस्करा रहे होते थे और ये कह रहे होते थे कि सारे क्वेश्चन आते हैं, और बस हम सारा टाइम इसी बात में गुजारते थे कि ये तो चैप्टर आना ही नहीं था, ये तो सवाल इस चैप्टर का है ही नहीं। सारा टाइम टीचर को बुला बुला के बस यही कह रहे होते थे और सारा टाइम इसी में गुजर जाता था।